मध्य प्रदेश के रतलाम से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो सियासी गलियारों में काफी चर्चित हो रही है। जी हां, बाइक पर सवार ये हैं रतलाम के सैलाना से नव निर्वाचित विधायक कमलेश्वर डोडियार। कार का प्रबंध नहीं हुआ तो एमएलए साहब बाइक पर ही भोपाल के लिए चल दिए, जिसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कमलेश्वर ने अपने विधानसभा क्षेत्र से राजधानी भोपाल की 350 किलोमीटर की दूरी बाइक पर ही तय कर दी। रास्ते में बारिश भी हुई और ठंड भी बहुत थी, लेकिन विधायक ने सारी बाधाएं पार की। अपने मित्र के साथ वो बाइक पर अपने गंतव्य तक पहुंचे। गौरतलब है कि भोपाल पहुंचकर विधायकों को आगे की प्रक्रिया पूरी करनी है, जिसके चलते विधायक भोपाल पहुंचे हैं। मैं भोपाल निकला हुआ हूं, भोपाल जा रहा हूं। मेरे पास में अभी आज सुबह फोर व्हीलर गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई, वैसे तो मैं बहुत गरीब तबके से आता हूँ। आपको बता दें कि कमलेश्वर डोडियार काफी गरीब परिवार से आते हैं और दो कमरों के झोपड़ी नुमा मकान में रहते हैं। उनके बूढ़े माता पिता मजदूरी करते हैं। कमलेश्वर और उनके परिवार ने काफी संघर्ष वाला समय देखा है। चुनाव लड़ने के लिए भी कमलेश्वर डोडियार के पास पैसे तक नहीं थे। उन्होंने 12 लाख का कर्ज लेकर चुनाव लड़ा है। इसके साथ ही उनके दोस्तों में उन पर पैसे खर्च करके आगे बढ़ाया, जिसका धन्यवाद देना वो नहीं भूलते हैं। मेरी पार्टी और मेरे संगठन के साथियों ने मेरे लिए चुनाव प्रचार में बहुत मदद की, बहुत सहायता करी है। भूखे प्यासे भी प्रचार किया है और अपने जेब से दो पैसे भी खर्च किए हैं प्रचार में। और आज मुझे अर्जेंट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए भोपाल विधानसभा जाना था। मैं सुबह करीब 12 बजे के आसपास से रतलाम से निकला था मोटरसाइकिल से। मेरे पास में फोर व्हीलर चार पहिया वाहन अवेलेबल। आपको बता दें कि कमलेश्वर ने उज्जैन के विक्रम वीवी से पढ़ाई करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत की है। उनका काम करने और सोचने का तरीका भी कुछ अलग है। उनकी चाहत है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री पद मिले, चाहे कुछ मुद्दों पर गठबंधन करना पड़े। डोडियार पंचायत ग्रामीण मंत्रालय लेने के हक में है, ताकि मैदानी स्तर पर लोगों का जीवन सुधार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।